मध्य प्रदेश के बैतूल में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। बता दें कि गर्भवती की मौत के बाद उसके मायके वालों ने पति और ससुर के साथ अस्पताल में जमकर मारपीट की। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने इस घटना का आवेदन पुलिस को दिया। बता दें कि महिला की मौत को लेकर ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला की मौत बीमारी की वजह से हुई है, जबकि मृतिका के मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि ससुराल वाले शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मतलब ट्रीटमेंट चालू था उनका? काय का ट्रीटमेंट चल रहा था? प्रेगनेंसी का। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा था जी। मतलब उनको जो बीपी लो हो गया था, चक्कर आके नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। लार हॉस्पिटल में ले गए उन्हें, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने मतलब बाटल लगाई, बोले बैतूल लेकर जाओ, बैतूल के लिए रिफ़र कर दिया। फिर हम नोबल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ उनको मृतक घोषित कर दिया। ये मेरे आने के बाद में मुझे इनने ऐसा बताया कि इनको सिर्फ नींबू पानी का पानी दिया, बोले एक गिलास, और पानी पीते से ये चक्कर आके गिर गई। उसके बाद इन्हें जल्लार हॉस्पिटल में ले गया है, तो वहाँ की रिपोर्ट में को ये पता चली कि वहाँ जाने के बाद में नो बीपी, नो पल्स, नो सेचुरेशन। फिर वहाँ के हॉस्पिटलों ने बैतूल रेफर किया। उसके बाद इन्हें नोबल हॉस्पिटल में ले गए। नोबल हॉस्पिटल में अंदर ले जाने से पहले ही डॉक्टर ने एम्बुलेंस में ही एक्सपायर डिक्लेयर कर दिया। अभी ये उनकी लड़की के पिता और भाई पक्षाए थे, गुड़गांव निवासी हैं। उनका उन्हें अपनी बेटी का विवाह झल्लार भवन में किया था, जो ऐसा इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि पति द्वारा और उसके जेठ द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित की है। और तत्काल इसके आवेदन प्राप्त हुआ है, चूँकि नवाहिता से जुड़ा मामला है, इसलिए SDOP स्तर के अधिकारी इसकी जांच करते हैं। SDOP भैंसदेही को उसमें जांच दी गई है, मर्ग जांच कर रहे हैं। मर्ग जांच करके सारे तथ्यों के आधार पर इसमें तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी ये आवेदन पत्र जो उन्होंने लेख किया है, जो द्वारा अवगत कराया गया है, इसमें SDOP भैंसदेही नवाहिता का प्रकरण स्वयं जाँच कर रहे हैं। आवेदन पत्र उनको दिया गया है, तो उसके अनुरूप अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें।